तो मैं प्रदीप भाई के घर पे पहुंच चुका हूँ। अभी मैं प्रदीप भाई से पूछूंगा उनके घर के बारे में या उनके काम काज के बारे में या वो जो भी काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो इस बारे में हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, प्रदीप भाई से मिलते हैं। ये है हमारे प्रदीप भाई। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? मैं प्रदीप, आप जानते होंगे। तो बेसिकली ये मैंने घर पे एक छोटा सा गार्डन बनाया हुआ है। ये एक छोटा सा मॉडल है जिसपे मैंने सोचा कि हाई चिल, जैसे सर्दियों में होने वाली चीज़ें यहाँ पर वो कर सकें, बाहर की यहाँ कर सकें। करते 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 मैंने सोचा कि हर एक चीज़ की कुछ 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 मैं यहाँ पर अपने पास रखूँ उसकी ब्रिड। और मेरे पास फूल में तो कम वैरायटी है, बस फूल में भी है, लेकिन फलों में कुछ यहाँ के कुछ इंपोर्ट किए हैं बुलाए। तो हम शुरुआत करते हैं अपने फूल के पौधे से। यह है पीस लिली, इसमें वाइट कलर फूल आते हैं और फूल का शेप होता है वो नाक टाइप का होता है। और उसके बाद मेरा सेकेंड है, ये मैंने तो सभी ट्राई किया हुआ है, तो ये कैक्टस है, इसकी मैंने वैरायटी यहाँ पर रखी हुई है। और सबसे आपको एक खास पेड़ दिखाऊँ तो यह है पीच प्लांट, आड़ू का ही पेड़ है और ये एक ड्वार्फ वैरायटी है। इसकी एक खासियत आपको मैं दिखाऊं तो ये अपने फल तो वैसे गुच्छे में इसके फल आते हैं और ये अपने फलों को छुपा देता है। आप अगर पास आएंगे तो इनके फल अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ इसके फल है, यहाँ इसके फल है, नीचे यहाँ पर फल है इसका, यहाँ इसका फल है। तो ये पेड़ अपने फलों को छुपा देता है अपने पत्तों से। अच्छा, और आपको एक दिखाऊं तो मेरे पास ये बड़ी इलायची का पेड़ है, इसमें इलायची भी लग रही है। अभी हर्ष का टाइम आया नहीं है, इसको हर्ष करेंगे 2 से 3 महीने बाद। और ये देखिए, यहाँ से पूरा इस पर इलायची आया हुआ है। और ये है एक अनार, जिसको आप देखोगे तो उसमें फलों की कमी नहीं है। और ये सारा कुछ ऑर्गेनिक है, गाय की गोबर की खाद से सब किया हुआ है। कभी एक बार पेस्टिसाइड डाल देता हूँ उसमें, नहीं मैं भी घर बनाता नहीं पत्तों से। और इसमें फल अच्छा खासा लगा हुआ है। ये है सीता फल का पेड़, ये इसके लिए भी पतझड़ है, वो ये पूरे पत्ते झड़ाएगा फिर इसमें नए पत्ते फूट रहे हैं। ये इसके बाद है चंपा का है, चंपा के फूल खिलते जो बड़े खुशबूदार। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने फूल लगाए हुए हैं दोनों वैरायटी, थोड़ा सा यहाँ भी फूल लगाए हुए हैं। ये है इसके कई काम आते हैं, सर दर्द उसको आप पीस लो मिक्सी में, इसका लेप लगा लो। वैसे टूटी हुई एक कुट्टी मशीन थी उसका बचा हुआ था, तो मैंने इसमें पेंट करके यहाँ पर रख दिया। ये फूल है, ये गंधराज है, ये बेला है, ये बड़ी प्यारी सी खुशबू आई यहाँ पर से। और फिर यहाँ अमरूद, ये 12 मास रहता है। ये पहले आंवले का पेड़ था, ये सूख गया तो मैंने इसमें ये मनी प्लांट की वैरायटी है इसमें लगा दिया। ये छोटी इलायची है, ये बोगनवेला है, बोगनवेला एक उधर भी है। और ये कमल लगाया था, इसमें क्या था, इसमें अच्छी फ्लावरिंग हुई थी, मैंने एक पॉन्ड बनाया था वहाँ पे, लेकिन उसके बाद ये थोड़ा सा इसकी हालत थोड़ा सा ख़राब हो गई है, लेकिन फिर से बन रहा है। फिर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक किचन गार्डन बनाया हुआ है। यहाँ पर प्याज मिलेगा आपको, यहाँ पर हर्ब है, यहाँ पर अजवाइन के पत्ते है, लेमन ग्रास है, और यहाँ पे धनिया है, यहाँ पर एक उगल होता है, उगल है, बास भिंडी है क्यारी छोटी सी। और ये एक मौसम का पेड़ है, इस पर शूटिंग हो रही है अभी, जल्दी से फल आएंगे और आप भी खाएंगे, ज़रूर आएगा।